Krishna, 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 Krish
हो जाओ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भवन्त सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावने हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेनत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्ण शरण। न होने के बराबर मिलती है यही, अगर कुछ कहा भी जाए सुख राय भर तो दुख पहाड़ भर। कब जब भगवान के विमुख होकर मनमानी की जाती है तो उसके रोमांचकारी नक्शा मेरे भगवान जी ने खींचा। अब बढ़ेंगे आगे। अब ये तो बिल्कुल ही नास्तिक जीव है जिनको भगवान जी तमोगुणी के नाम से पुकार रहे गए। अनुबंधं क्षय हिंसां अनेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत् तां समुज्यते हरिओं तत्सत् हरिओं तत्सत् हरिओं तत्सत्। भगवान जी की विशेष कृपा के फल स्वरूप सुनते और विचार करते हुए भगवान जी बता रहे गए, जो जीव को शुरू से आखिर तक बंधन में डाल देता गए, दोनों जहानों से जीव का क्षय नाश हो जाता गए, जो कर्म जिस कर्म के लिए जीव हिंसा करने पर तशद्दद करने पर कत्ल करने पर मजबूर हो जाता गए और अपने पास इतनी समर्थता नहीं होती, मूर्खता से लंबी छलांगे लगाकर अपने लिए तबाही के समाप पैदा कर लेता है, जिसके अंदर मोह भगवान ने बहुत ज्यादा भर दिया है, तीन बातों के लिए कंचन कामनी कीर्ति के लिए जिसके मन में जबरदस्त अटैचमेंट या रग़बत है, भगवान कहते ये तमोगुण समझा जाना चाहिए। फरेबी नजर से करे काम अगर न हो फिक्र इनका अंजाम, अगर न हो जिसमें इज्जा और नुकसान पे गौर, तमोगुण अमल के यही बस है कौन। मैं विस्तार नहीं करूंगा, ऐसे वातावरण खराब हो जाएगा। बस मैंने इशारतन कर दिया कि इनके सारे कर्म गंदे होते हैं, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, इनकी किसी बात में भी दानाई नहीं है, और तो और इनका अपना ही नुकसान है। दूसरों की बात छोड़ो अलग, अपनी भलाई नहीं, जो कुछ ये करते हैं इनकी अपनी बुराई है, अपने में ही तबाही है इनकी। आइएगा आगे बढ़ेंगे। मुक्त संगा अनुवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा कर्ता सात्विका उच्यते हरिओम तत् सत् हरिओम तत् सत् हरिओम तत् सत। लीजिए अब मेरे महाराज जी सात्विक कर्ता की बात करने लगे। वो कर्म थे अब कर्म करने वाला, अंतर ये वो थे कर्म किस प्रकार के एक्शन या कर्म या क्रियाएं जीव को पार देती है, पार कर देती है, और किस कैसी अभद्र और
अश्लील क्रियाएं जीव को तबाह कर देती है। अब कर्ता दिटुआ करने वाले, जैसे हम लोग यानी मन करने वाला है, अब वो करने वाला कैसा मुक्त संग, आई जरा विचार करें। जिसको आसक्ति नहीं है केवल मात्र देवी और सजनों कर्तव्य की पहचान है। करोड़ों व्यक्ति आसक्ति के में भर कर कर्म करते हैं, यानी मजबूर हो जाते हैं कर्म करने के लिए, मजबूर है क्यों, आसक्ति उनको मजबूर कर रही है, वो अटैचमेंट के अंदर तबाह हुए जा रहे हैं। भगवान ने ऐसी ये गीली वृत्ति बनाई है कि इंसान दुख भी पाता है फिर भी छोड़ नहीं सकता, जलील भी हो रहा है फिर भी तबाह होता जा रहा है, उसी के अंदर अपने आप को गलतान करता जा रहा है। आइएगा अब यहाँ मेरे भगवान कहते हैं जिन्होंने अपना कल्याण, जैसे हम कल्याणकामी जीव है, भगवान की प्रेरणा से हम यहाँ आ जाते हैं, भगवान की ओर अपने मन को लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो महाराज कहते हैं उनका क्या होता, पूरी आसक्ति भगवान जी के साथ होती है, पूरी आसक्ति भगवान जी के साथ। अब ये शब्द थोड़ा सा तब्दील करें, अनुरक्ति, ये अनुरक्ति अगर भगवान में होता है तो वो भक्ति कहलाती है, अगर जहान में हो जाए तो वो मोह कहलाता है। और इधर मेरा हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण एज ए गॉड फ्रेंड एंड फिलोसफर अपने श्रीमुख से बताए जा रहे हैं कैसे जीवों का क्या हाल होता है, संग नहीं होता अर्थात आसक्ति नहीं होती। आसक्ति होती है जब स्वार्थ हो, तो कल्याणकामी जीवों का स्वार्थ है ही नहीं, अगर स्वार्थ होता तो कभी भी परमार्थ शुरू नहीं होता। मत भूलिए मेरे देवियों, स्वार्थ समाप्त तो भक्ति प्राप्त, जब तक जीव का स्वार्थ ही समाप्त होगा भक्ति की शुरुआत हो ही नहीं सकती। भक्ति की शुरुआत ही तब है जबकि स्वार्थ की समाप्ति हो जाए, स्वार्थ हमेशा के लिए चला जाए, ध्यान देना, देयर शुड बी नो स्वार्थ, नो सेल्फिश मोटिव, तब ऐसा जीव आगे बाहर निकलता है। तो हमारे हजूर अपने श्रीमुख से बता रहे, अपने श्रीमुख से कह रही है कि अपने आप को तो टटोले कि कर्म तो हमने करना है, जीवन के आखिरी लम्हा तक आखिरी श्वास तक हमने कर्म करते जाना, कर्मों में हमने अपने आप को लगाना। तो महाराज जी अपने श्रीमुख से बता रही है, स्पष्ट अपने श्रीमुख से कह रहे हैं आसक्ति नहीं हम दिन प्रतिदिन। अच्छा एक बात और बता दूं जो भगवान ने बताई, अगर आसक्ति ना जाए, माँ के साथ बाप के साथ बहन पत्नी या कोई भी कहीं भी हमारा मन समझाते भी है फिर भी नहीं मानता मन, तो एक बात समझा दो, मन आसक्ति करनी है फलां के साथ, हाँ तो जरा ध्यान दे ले शरीर के साथ कि शरीर के चलाने वाले के साथ, ये बात जरूर कह देना। शरीर तो लोथ है, शरीर तो डेड बॉडी है, अगर चला रही है तो भगवान की सत्ता चला रही है। इस बात को मैं और आप बहुत पक्की कर ले, कोई पक्की करे या ना करे, हमें बल्ब प्यार है या करंट, करंट जिसके कारण से बल्ब अपना काम करता है। अगर बिजली की शाल्टेज हो जाती है तो घर में कितने प्वाइंट लगे हुए सब निकम्मे, बिजली ना आए तो सब निकम्मे, सारे शरीर निकम्मे, अगर आत्मा भगवान जी निकाल ले और निकाल लेते तो हम शरीर को लोथ बोलेते हैं, गड़बड़ी बोलते हैं, शरीर हमारा बिल्कुल एक मुर्दा सा है, जड़ है, अगर ये चलता फिरता उठता बैठता और प्रत्येक प्रकार के अंग अपने अपने काम कर रहे हैं तो भगवान के पीछे सत्ता, जिसको मेरे भगवान ने इलानिया गीता जी में कहा मेरे सजनों और विचारशीला बेटियों, मैं हूं आत्मा दिल यकीन जो है जानदारों के दिल में मकीन, वो सब अस्थियों को घुमाता रहे वो माया का चक्कर चलाता। तो चलाने वाली जात भगवान जी की है और अंत समय में साबित हो जाता है जबकि आत्मा निकल जाती है, आह ये क्या हो गया, शरीर जड़ हो गया, एक एक अंग पथरा गया, जहां बाजू पड़ा पड़ा, जहां आंखें आंख खुली गई खुली, जहां सिर आपका सीधा यूं आया तो आप यूं कीजिए फिर यूं जाएगा, आप यूं कीजिए यूं हो जाएगा, इसमें जान ही नहीं रहती, शुद्ध बुद्धि शरीर गुम कर गया अपनी, है ही कुछ नहीं। अगर ये भागता है तो फौरन दिखाइए असल चीज क्या है, जब आप दिखाएंगे अब आपका मन शरीर को छोड़ जाएगा, शरीर को मोह को तोड़ देगा। आहा यही बड़ी हिम्मत की बात है, अगर शरीर में लगा रहा तो परमात्मा की जात में तल्लीन नहीं हो सकता। देवियों आपका मन भगवान ने बहुत नरम बनाया जानबूझ के, अब आप कल्याणकामिनी जीव है, आप जुटने चाहती है लगना चाहती है, तो भगवान ने कहा कि जो मेरी ओर लगना चाहती है, क्या कहा, त्यक्त संग शब्द लगा रहे हैं यहाँ पर मेरे प्रभु जी, क्या मुक्त संग उनकी आसक्ति मुक्त हो जाती है, आसक्ति से छूट जाती है, वो आसक्ति से न छोड़े भगवान के साथ लग जाए, वो मन जो जहां था वहां अत्र तत्र सर्वत्र लगा हुआ था, अब उसे चारों ओर से रोक कर हम भगवान जी की ओर लगा देंगे, महाराज जी की ओर खींच देंगे, बेड़ा पार हो गया। सिर्फ इतना सा कर लेना हमने कि मन तो आसक्ति कर लेकिन असर के साथ यथार्थ के साथ जो इस शरीर को चला रही है, बार बार अपनी मौत को देखा करें कि आत्मा गई और ये शरीर यूं, आत्मा गई और आत्मा आई और शरीर चुस्त होशियार, कई बार कल्पना रूप में अपने जीवन और मृत्यु को दावत दीजिएगा कि आत्मा है तो मेरे शरीर काम कर रहा है, आत्मा नहीं तो ये देर की डेट पड़ी, ये बिल्कुल ही गया बिल्कुल ही खत्म, आखिर मन मान जाएगा।
अब भगवान के भजन में लगेगा, शरीरों में रह करके भी शरीर संभाला पर होते रहेंगे। ये बात बार बार बिठाने योग्य है, एक नहीं अनेक बार मेरी कल्याण कामनी देवियों इस बात को गहरे ले जाइएगा कि व्हाट इज द रियलिटी बैक इन द बैकग्राउंड। ये बार बार करें, भगवान ने दो चीजों का इतनी खूबसूरती से और शारीर से मिश्रित किया कि हमारा धर्म है कि हम इनको डिस्टिंग्विश करें, हम इनका भेद करें, विवेक करें। जड़ और चेतन, स्थावर और जंगम, भगवान ने कैसे आपस में इंटरमिंगल किए हैं, आपस में जोड़े हैं। अब जो हम लोग कल्याणकामी जीव है इसको निकालना है, जैसे घर में कनक बीनी जाती है, कनक को हम प्रून के अंदर, छाननी के अंदर, छत के अंदर थालियों में ले लेते हैं, कनक के अलावा जो भी कुछ भी होता है उसको एक उंगली से जो बाहर निकालती जाती है, छत जाए तो उसे फटकारती जाती है, और थाली में रखा है तो एक उंगली से ये काइया माइया, ये रोड, ये पत्थर, ये सब बाहर निकल जाएंगे और बाकी रह जाएगा कनक। इस तरह हम ध्यान से देखती है कि जो सत्ता इसको चला रही है वो मेरा अपना आप है, और बाकी जो कुछ है ये जड़ है जो इसके कारण से। गीता के कृष्ण ने बार बार हमारे सत्ता जो जिंदगी के पथ प्रदर्शक भगवान कृष्ण ने बार बार मेरी देवियों इस पर अनुरोध पूर्वक जोर दिया। मैं असक्ति तो रह नहीं सकती, जब आप हकीकत की पहचान कराएंगे, और इससे बढ़ के कौन बताएगा सतारवे अध्याय के आखिर में, जैसे हमारे सत्ता कह रहे हकीकत यही है, हकीकत है सत्य और सदाकत यही है, सदाकत है सत्य। ये राज है, आखिरी बात है कि सारे संसार के अंदर यथार्थता क्या है, भगवान जी। इस सारे संसार में सत्यता क्या है, भगवान जी। सत्यता वो होती है जो हमेशा रहे, हाँ, और मिथ्या वो होता है जो कुछ देर नजर आए, कुछ दिन नजर आए, कुछ सप्ताह नजर आए और बाद में ढूंढे जाने पर भी ना मिले। वो क्या है, ये नेम एंड फॉर्म, ये फॉर्मेशन, ये हमारे रूप, ये अपीयरेंसेस, जितने भी हमें नजर आती है ये सब प्रतीति मात्र है, यानी जाने वाले प्रतीत तो हो रही है सपने के समान। फर्क ये है कि वो अल्पकालिक सपना होता है थोड़ी देर की तरफ, ये दीर्घकालिक सपना, ये जो लंबे समय का सपना है, सपना वो जो जागने पर नजर ना आए, ये भी सपना ज्ञान आने पर नजर नहीं आता। आहा, जरा ज्ञान प्राप्त हो जाए, एक बार ज्ञान मिल जाए, शरीर की पहचान हो जाए, फिर नहीं, फिर खत्म। बार बार देखिए इसमें असलियत क्या है, इसमें असलियत क्या है, बार बार कहा इसमें असलियत क्या है, शाबाश शाबाश शाबाश, बार बार देखिए। महापुरुष एक बड़ा अच्छा दृष्टान्त देती है, रोचक दृष्टान्त है देवी और सजनों। एक कोई गृहस्थी थे जो पूजा किया करते थे अपने सर्व विघ्न विनाशक शंख, अपने गणेश जी की, सर्व विघ्न विनाशक गणेश और इनके वाहन चूहे की। ये कोई ऐसे मुश्किल के दिन आ गए, बहुत ही मुसीबत के दिन आ गए, इन्होंने सोने की मूर्ति अपने घर में बनवा रखी थी, चूहे भी सोने का था और वो भी, लेकर दोनों ही दो दो तोले के थे, बड़ी पूजा होती थी, मजबूर हो गए। अब उनको लिया सुनारे के पास ले गए, रो पड़े, बहुत तंगी के दिन, कष्टी के दिन आ गए, बड़े मेरे पर कष्टी आ गई है, यानी बड़े मेरे पास इतनी तकलीफात आ गई है, मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ, देयर इज नो वे आउट, क्या मैं इसको बेचना चाहता हूँ। बड़े रोते रोते कहा मैं अपने इष्ट देव को बेच रहा हूँ, भगवान मुझे फिर देंगे ताकत, मैं फिर बनवा लूंगा और ये कष्टी के दिन सदा के लिए काफूर हो जाएंगे। गॉड, तब उसने तोला, तोल के कहा भाई देख इसके भी 4000 रुपया इसका, अरे नारा कहीं का बकवास करता, जूता मुंह से निकाल कर मुंह पर पड़ूंगा, चूहे के भी जो है 4000 और मेरे इष्ट देव के 4000, लगा मुक्का तरफ सारे दांत निकाल दो। वो तो भावुक था, आपे से बाहर हो गया, भाई तू क्या कहता है, मैं कौन पता किसके पास आया, सुनारे के पास आया, सुनारे को बदतमीज सुनारा, फिर मेरी क्या बदतमीजी की है, तू कहता चूहे के भी 4000 और शंकर के भी 4000, भाई आप चूहा बेचने आए या शंकर बेचने आए, यानी गणेश बेचने आए, ध्यान तो दो क्या बेचने आए हो, हाँ मजबूरी है भाई, वरना मैं कभी ना आता, क्यों मेरे मन को तो कातियां मारता, 4000 दोनों के, दोनों बराबर हो गए, हाथ जोड़ता आप भक्त है, जो मुझे कह रहे जुतियां मार रहा तू भी, मैं सिर झुका के सहता जाऊंगा, आप भक्त है तो और क्या, और मैं सुनारा हूं और क्या, मैं तो सोना लेना चाहता हूँ, गणेश जी तो अपने पास रखिए, उनकी सवारी वाहन चूहा भी लीजिए, मैं तो सोना ले रहा हूँ और दोनों को मैंने तोला है, वो भी 2 तोले, वो भी 2 तोले और मेरे को खालिस सोना है, इसमें कोई मिलावट नहीं, मैं सुनारा हूँ जी, मैं वो नहीं ले रहा अपने गणेश जी को, मैं सोना, ओह अब उसकी नजर में तो मेरे इष्ट देव है और ये उनका वाहन है, अब वो निकाले ना, भाई मैं सोना ले रहा हूँ, सोना, मैं गणेश तो कोई भी नहीं ले सकता, मैं तो सोना ले रहा हूँ जो जिस
नहीं एक देश की बने। ओह ओह तो ये दोनों के 4000 मूल्य होगा। अच्छा बस मां पुष कहते इतनी बात पकड़ लो, जब तक जीव सुनारे वाली दृष्टि नहीं बनाता संसार से किनारा नहीं हो सकता। बनिया न सुनारा न हुआ संसार से किनारा। दृष्टि ये बनानी है, ये मेरे पिताजी है लाखों करोड़ों रुपए के, ये मेरी माँ है अनमोल है, ये मेरी पत्नी है। ओए क्या कहने, कुबेर के पास भी इतना खजाना नहीं कि आपके पत्नी को तोड़ सके। ये मेरे पति देव है। ओह भगवान करे हमेशा बने रहे, सदा बने रहे और खूबसूरती बनी रहे हमेशा याद जवान बने रहे, बुढ़ापा रोज पड़ोस पे आए आपके पति भी कभी ना है। बस और कोई जवाब कहो मैं वो भी दे दूं। बड़ा अच्छा बहुत सुंदर है, पत्नी है, श्रीमान जी है, श्रीमती है, ठीक है। हाँ लेकिन अब ये सत्संग में हम आए हैं, अपना कल्याण करने आए हैं। हाँ कल्याण कैसे होता है, भगवान की ओर से, भगवान जी की ओर से कल्याण हो सकता है, और तो कल्याण हो नहीं सकता, जहान में तो बार बार आएंगे जाएंगे। अब हमने यहाँ क्या करना है, सत्संग। कितना मोटा लिखा है, सत्संग भवन, सत्संग। सत्य मैंने परमात्मा, संग मैंने मिलाप, परमात्मा के संग मिलाप कराने वाला। ये सत्संग क्या है, जो मालिक के संग मिलाता है, मालिक के संग मिलाने वाला, सादर बताने वाला स्थान, जो हमें सादर बताएगा, मीन्स बताएगा, जराए बताएगा कि इन इन सागरों को अपने जीवन में उतारते हुए हम मालिक के संग नियरर नियरर स्टिल नियरर हो जाते हैं। सत्संग, सत क्या होता है, जो हमेशा रहे। संसार क्या है, असत्य, थोड़े दिन रह के चला जाता है, इसी संसार को असत कहती है। भगवान सत्य है, सदा थे हैं और रहेंगे, थे हैं और रहेंगे। संसार न था न होगा, सिर्फ बीच बीच में नजर आता, पहले भी नहीं था बाद में नहीं होगा। भगवान ने रचा है ना, जो चीज रची जाती है वो बीच में नजर आती है। बड़े गजब का पॉइंट गीता जी का, बेटी बहुत कमाल का, जो रची जाती है वो बीच में नजर आती है, ना बिगनिंग में और ना एंड में, ना शुरू में नजर आती है वो चीज और ना ही वो अंत में नजर आती है। जो चीज शुरू में भी ना हो अंत में भी ना हो उसको हिंदू धर्म कहता है मिथ्या असत। शरीर शुरू में नहीं थे, अंत में भी नहीं रहेंगे, सिर्फ बीच में। भगवान ने यही तो ज्ञान का रुमाल लेके अर्जुन के आंसू पूछे हैं। कितनी गजब की दलील, किसी भी शास्त्र में मुझे आपकी कसम नहीं मिलती। निगाहों से पहले क्या, आप तो सोचते नहीं मैं क्या करूं, आप तो ये चिंता है खागे कि श्रीमान श्रीमती और ये वो कि मैं क्या करूं। क्या कमाल की दलील है, आपका रोम रोम आशंका उठेगा। क्या गजब का आर्गुमेंट है, युक्ति युक्त भगवान ने बात की है। निगाहों से पहले निया हो वजूद, हाँ ये जो है जिधर बीच में कुछ अया हो, निहा फिर ये हो जाए अंजाम कार। वर्जन फिर किस लिए रोता क्यों है, और बहरिया और रोना क्यों है। भगवान जी कह रहे क्यों रोते हो, ये बता इनका आज का पता है, नहीं मैं जानता। इनका अंत का पता है, नहीं मैं जानता। शर्म कर अर्जुन, तो बड़े बड़े गुरुओं के पास पढ़ा है, क्यों लाज लगवा रहा है अपने पितामह जी को, क्यों लाज लाता है द्रोणाचार्य जी को। और तीसरे गुरु थे इनके कृपाचार्य, द्रोण और कृपा का आपस में रिश्ता था बेटे ध्यान देना, तो आपस में गाढ़ा रिश्ता था। तो देखना क्यों उनको लाज लगवाता, देख इतनी छोटी का पढ़ा है ध्यान दे, ये पहले कहां थे कोई पता नहीं, बाद में कहां जाएंगे कोई पता नहीं, तो बीच में नजर आती है। फिर अर्जुन ने फिर किस लिए बेकरा, ये बेकरारी कैसी। एक श्रीमती बहुत रो रही थी, बहुत रोई थी, 2 महीने हुए थे श्रीमान जी को, भगवान ने बुला लिया चले गए, बड़ी रोई बड़ी रोई बड़ी रोई, 2 दिन रोती रही। आकर एक माह से गुजरे कोई पहुंचे महात्मा थे, अचानक गुजर पड़े। हाँ तब उन्होंने देखा तो मतलब दिलीप पर बहुत रो रही थी, दिलीप मैं पूछ सकता हूँ, आप इतना आपस से बाहर हो रही, अपने सिर के बाल तोड़ रही, अपने पर थप्पड़ मार के अपने गालों को लाल कर रही, आपने कुछ कपड़े भी आपने फाड़ दिए हैं, कारण बाबू जी आप तो मेरे पिता समान है। अच्छा बेटी क्या हुआ, अभी 2 महीने से मेरी शादी हुई थी तो श्रीमान जी को मेरे भगवान ने बुला लिया। अच्छा मेरी बात सुनो, 2 महीने पहले ये पति कहाँ था, अपनी माँ के पास, अब पति कहाँ गया, भगवान जी ने बुलाया। तो भगवान जी ने अपनी चीज बुलाई है ना बेटी, पहले वो अपने माँ बाप जिन्होंने पैदा किए थे उनके पास था, अब जिन्होंने इन्हें दुनिया में भेजा था उन्हें बुला लिया। ये तेरी भूल नहीं कि तूने गैर को अपना समझ लिया, पहुंचे महापुरुषों के एक एक बोल घर घर जाते, यही तो है पता लगना कौन पहुंचा हुआ है, कौन भगवान की रसाई किस तक है। जिसके शब्द घर घर जाए उसकी रसाई हो चुकी है, और जिसके शब्द पानी पे लकीरों की तरह साबित हो उसकी रसाई नहीं। इनके शब्दों का असर हो
बड़ी मोटी हमारे शास्त्र कहते हैं जिनके शब्दों का असर हो उनकी रसा उनकी जबान में भगवान होती है, उनकी जबान पे सरस्वती बैठी होती है। फौरन घर कर गए, महाराज तुझे रो पिट रही थी, मैं कहते मेरे पति यही तो तेरी भूल है, तेरे का अगर तेरी होते तुझे छोड़ जाते, प्यार तो बहुत करने लगे थे, फिर तेरे नहीं ना थे, तूने मान लिए ना। हाय मां पूछो आपकी बड़ी कृपा, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं भगवान की दासी बन जाऊं। आपने कितनी अच्छी बात कही, शादी होने से पहले माँ बाप के थे, शादी होने के बाद जिसने दुनिया में भेजा था उसने बुला लिया, और मैं ना उधर की ना उधर की, बीच में मैंने समझ लिया ये मेरे हैं, बस दना बन जाए हम सारे, बिल्कुल बीच में कोई हमारा माँ बना है, बाप बना है, पति बना है, पत्नी बना है। अभी समझ ले ना, माँ बाप पति पत्नी तो है लेकिन है भगवान की देन है, अगर हमारे होते हम इनको क्यों देते, कोई चाहता है मेरे पिताजी मर जाए, चाहता है मेरी माँ मर जाए, कोई चाहता है मेरे बेटा और इतनी प्यारी पत्नी मर जाए, पति देह मर जाए, जो हमारी अंग संग है, हमारे जान प्राण है, दिमोस्ट नियरेस्ट है, दिमोस्ट नियरेस्ट है, वो चले जाए। हम क्या कहते, मैंने कई बार कहा बेटे क्यों जाने दिया, मेरा बस नहीं चलता। अभी राज सचदेव जी बैठे हुए हैं, अब इनके पांच छह लड़के हैं, श्रीमान जी गार्ड थे, गार्ड ये झंडी दिया करते थे, हाँ तो अब गाड़ियां तक चलती जो झंडी देते थे, अब वो अचानक श्री छोड़ गए, मैंने कहा कैंसर पड़ गया, अब चले गए। मैं बार बार कहता हूँ अब तू मर गई, इनको पाल पाल के बच्चों को क्यों जाने दिया, वो अपने को नहीं झंडी दे सके, हरी तूने पकड़ लेना था, मैं क्या करती, आखिर में ये कहना पड़ेगा ना मेरा थोड़ा बस चला है, तो वो चुप करके गर्दन ही यूं कर गए, उनको ऐसी बीमारी लगी, तो पुत्र छोटे 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 जैसे बोलना नहीं मैं चाहता, क्या कहूं कौन से शब्द लगाऊं, छोटे छोटे बच्चे काला रंग होता है उसके पीछे छोटे बच्चे जा रहे होते हैं, इसी तरह बस इतने बच्चे, हाँ क्यों जाने दिया, मेरा बस नहीं चलता, जिसको आखिर में हम कहेंगे मेरा बस नहीं चलता, हमारे अपने मुंह के ऊपर जिनको कहेंगे मेरे है, जाति बार तो हमारा बस नहीं चलता, अब हम कहते मेरे है, मैं और आप, मेरी और आपकी लियाकत लियाकत इसी में है, अभी से कहना शुरू कर दे तेरे से, तेरे है, तेरे यहां आने का ठोस लाभ तभी होगा जब पुकार के कहे तेरे है, ये तेरे है, ये जो मां नजर आ रही है मेरी नहीं, ये पिताजी ये पत्नी जिनके साथ आपको बहुत प्यार है उनको बार बार कहो ये मेरे भगवान की अमानत है, बहुत ज्यादा प्यार है जो आप इकट्ठे रहते हो, बार बार कहो मेरे भगवान की अमानत है, रहो प्रयोग करो मेरे भगवान की अमानत है मेरे नहीं है, बस मेरा पार हुआ, अशक्ति तब जाएगी, इसका एक ही तरीका मेरे न कहो, आज के बाद को मेरी जबान सड़ जाए, मैं सदा क्लियर गूंगा और गूंगी हो जाऊं, मैं नहीं मानूंगी मेरे मेरे भगवान के, कितनी क्लियर बात है, और सत्संगों में लोग सुने और फुलाए, लेकिन मेरे और आपके लिए शर्म होगा कि हम मैं और सुने और हम फुला दे, नहीं ये हमारा मन गवारा ही नहीं करता, हम सारे इनकलाबी सब के सब, मैं और आप सारे के सारे इनकलाबी हैं, आग लगा दी है भगवान ने हमारे अंदर अपने कल्याण की, और कल्याण में बाधा क्या है, अशक्ति, मैं और मोर, यही माया है बच्चे, मैं और मोर तोर ये माया, यही बस कीनी जीव निकाया रामायण में आता, जिसने बेचारे जीव को जकड़ रखा है मैं और मेरा, हालांकि सच्चाई की बात करे तू और तेरा, ले मौज 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 समझ लिया, खाया करते मेरे जैसे कुकू मुकू को गुरुदेव जी, कितनी गजब का दृष्टांत है मेरे दिलियो, ये है मेरे रुमाल, और अगर तो मैं यूं करता हूं तो बट चढ़ते जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये अगर मैं नीचे से रुमाल को ऊपर करता हूं, ये देखो बेटे नीचे से रुमाल को ऊपर करता हूं वट कट गए, हाँ अगर ऊपर से नीचे जाओ तो वट खुलते जाएंगे, यूं करते जाओ यूं करते जाओ, स्वामी जी कहती है मैं और मोर करते जाओगे वट चढ़ते जाएंगे, तू और तोर करते जाओगे वट खुलते जाएंगे, और आप भगवान के दृष्टि के काबिल हो जाओगे, करोड़ों रुपए की ये बात है जो परमात्मा करे मेरी चीज ज्यादा आपत्ति कर ले, मैं और मोर से वट चढ़ते हैं तू और तोर से वट खुलते हैं, पकड़ लो जीवो मेरा और आपका भगवान ने मिलाप कराया है, और मेरी बेटी इसको कस के पकड़ लेकर आजाद होना है, बार बार जन्म मरण के चक्कर से आपने छूट जाना है, प्लीज पिकट अप एज अर्ली एज पॉसिबल, हम इसे जाने ना दे, इस बात को अपने मन के अंदर रख ले कि मैं और मोर से बट चढ़ जाते हैं तू और तोर से बट खुल जाते हैं, बड़ी जल्दी पकड़ लो मेरी कल्याणकामी देवियों कल्याणकामी भाइयों, बड़ी जल्दी, और सच्चाई की बात है कि मैं और मोर कहना मूर्खता है, शरीर भी तो मैं और मोर नहीं है, आत्मा भगवान निकाले तो ये तो कुछ भी नहीं, महाराज जी अपनी शक्ति निकाले तो बस काढ़ो काढ़ो होई रे लोको काढ़ो काढ़ो होई अन चली एक सूखी लकड़िया, आय हाय रोवत ले चले डगर डगरिया,
रोवत ले चले डगर डगरिया और वो देखो अंत चले एक सूखी लकड़िया। न मांगे अंत में न बाप गया ना कोई गया, सूखी लकड़ियों ने साथ दिया, बाकी सब पीछे रह गए, सब एक तरफ रह गए। बात बात उन पक्का करे, ये मेरे नहीं, मेरी बड़ी बड़ी बोली जो मैं कहती हूँ अपना, इस बात को मेरे से ले लो, मेरी गीता से ले लो, पकड़ लो इस बात को। तब भगवान कहती है अच्छा कर्म करने वाला कौन, जिसके कर्म में अपने शरीर में और अपने परिवार में आसक्ति नहीं गई। नॉट इट मीट एट ऑल इंटायरली अबव, इंटायरली अबव जस्ट लाइक क्या लोटस फ्लावर, कमल के पत्ते की तरह बिल्कुल निराला है, बिल्कुल इनडिफरेंट है। आनू मैं पक्का कराऊंगा आपको, आप भी तो आप मेरा साथ दो और अपने को पक्का करवाइएगा कि बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। जिस पर हमारा वश न चले, हाँ उसको अभी से क्यों ना कहे कि मेरा नहीं है, हमारा वश ही चलता। जब भगवान लेना चाहते हैं हमारे किसी भी निकटतम और प्रियतम को तो हमारा वश नहीं चलता। किसी को भी हमारे शरीर को लेना चाहेंगे, हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले हमारा वश नहीं चलेगा। वो लेने में आ जाए तो कोई उसे रख नहीं सकता, आहा वो लेने पे आ जाए तो कोई रख नहीं सकता। हाँ अगर वो रखना चाहे तो कोई इसे चख नहीं सकता, वो रखना चाहे तो कोई इसे ले नहीं सकता, और वो लेना चाहे तो कोई इसे रख नहीं सकता। बिठाओ ना, ए मेरी मैया मेरी अच्छी बेटी, अपने मन में बिठा ले ना। भगवान लेना चाहे तो कोई रख नहीं सकता, और भगवान रखना चाहे तो कोई ले नहीं सकता। इट इज मोस्ट क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। इस बात को क्यों ना कोई ढकोसना नहीं, नॉट सपोजिशन नॉट इमेजिनेशन, ये रियलिटी है, ये यथार्थता है, ये वास्तविकता है। इस वास्तव तो क्यों ना पकड़ ले हम। महाराज जी ने कितने दलीलें दे दी करके आत्मीय एवं अनुपम गीता जी में इसको प्रकट किया। हमारा जिनका अच्छा करता ही हु इज द बेस्ट डूअर, जहां में तो सारे कर्म करने वाले हैं सारे करता, लेकिन महाराज जी का जो फरमान है ये बहुत अच्छा है। इस तरीके से हम ले ले, मैं और आप अच्छा करता बने सवेरे से शाम तक, जब तक मैं और आप गहरी नींद में तलीन नहीं हो जाते तब तक हम कुछ ना कुछ करेंगे। भगवान मेरे से भी कुछ करवा रहे हैं, आपसे भी कुछ करवा रहे हैं, आपसे भी एक विशेष प्रकार के वातावरण में रखते हुए कोई ना कोई कार्य करवाए जा रही है। डे एंड नाइट वी आर ऑल एक्टिविटीज, जितने भी हम एक्टिविटीज के अंदर हैं, विदाउट भगवान ने इतना डिक्लेयर किया विदाउट एक्टिविटी देयर वुड बी नॉन। इतनी दिलराना ऐलान, जहां में ना देखोगे तुम एक पल के कोई भी फारग है, और बेअमल नन, कोई एक्टिविटी के बिना नहीं रह सकता। एक्टिविटी में है हाँ, फिर हम करता होगे, करता भोगता कौन है, हु इज द डूअर एंड हु इज द एंजॉयर, हमारा मन। तन नहीं, तन को प्रेरणा मिलती है अंदर से, मन से, और मन को कहां से प्रेरणा मिलती है, संस्कारों से। अगर आप कही कहते हैं भगवान प्रेरणा देती है, उत्तर वो तो पहुंच चुके को प्रेरणा देती है भगवान। मेरे साथ क्लियर कर लो, जो महाराज तक जिनकी रसाई हो चुके, जिनकी अप्रोच अपने भगवान तक कुछ, उनको प्रेरणा भगवान देती है, वरना 90.9% को प्रेरणा मन देता है, और मन को प्रेरणा देती है संस्कार, और संस्कार होते हैं प्रारब्ध के, प्रारब्ध होता है पिछले जन्म का। बिल्कुल क्लियर किया है हमारे वैद्य सनातन धर्म ने, बिल्कुल क्लियर कर दिया। फिर मैं कहूं हाँ बाबा बोलो, कर्मों को प्रेरणा देने वाला है मन, और मन को प्रेरणा देने वाले हैं संस्कार, और संस्कार आती है प्रारब्ध से, और प्रारब्ध होता है पिछले जन्म के अरमान। हमारे पिछले जन्म के अधूरी इच्छाओं को हम बोलते हैं अरमान, जो पिछले जन्म में हमने सारी इच्छाएं पूरी नहीं की थी, कुछ रह गई थी, आयु खत्म हो गई थी। आवर अलॉटेड पीरियड ऑफ लाइफ कंज्यूम्ड एक्सपायर्ड, अलॉटेड पीरियड ऑफ लाइफ एक्सपायर्ड, बट नॉट ऑफ द डिमांड्स एंड नॉट द डिजायर्स नॉट द लॉन्गिंग्स एंड नॉट द बिलोंगिंग्स, वो तो नहीं खत्म हुई, वो तो हमारे मन में थी। हाँ तभी भगवान ने हमें शरीर दिया, कि कहां दिया, जहां वो अधूरी इच्छाएं पूरे होने की संभावना थी, ऐसे वातावरण में और आप आए। अगर अच्छा भगवान जी सारों को प्रेरणा देते तो आइए आइए आइए, फिर हम सारे एक जैसे कर्म करते, एक जैसे ही हमारे भाव होते, विचार होते, वातावरण होता, और एक जैसे ही हमारे मन का स्तर यानी स्टैंडर्ड होता। बिकॉज देयर इज वैरायटी, वहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ एक्शन है, वाई एक ही जवाब भगवान जी के पास है, तेरे संस्कार अलग अलग, तेरे इंप्रेशन अलग अलग है, अब अलग अलग है, इसलिए मन को कौन प्रेरणा दे रहा है, संस्कार। अब ये संस्कार मिटे कैसे, भगवान जो उपाय बता रहे गए, ये तरीके जो बताए जा रहे हैं, इसके अनुसार हम अच्छे कर्ता बने। हाँ कैसे, जब कर्म तो करें आसक्ति में भर के नहीं, बल्कि ये समझ के मेरा कर्तव्य कर्म है, मैंने इसे बजा लाना, मैंने इसे पूरा करना है,
दैट्स ऑल, नाइदर मोर नॉर लेस। ये मेरा कर्तव्य कर्म है, ये मेरे ऑब्लिगेटरी एक्शंस है, ये मेरे पर लाजमी है, ये मैंने कर देने, बस 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 बस। अशक्ति, अशक्ति का मतलब क्या होता है, मैं बताऊं, नमूना देखो चे, अशक्ति का मतलब मैं किसी के अंतःकरण का एक्सरे दूं। अशक्ति कैसे होती है, ये तो मैं कर्म कर रहा हूँ, हाँ भगवान करे ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ ना अब न सिरे चढ़ जाए, अच्छा हाँ, और मेरी बात जो है ना वो बन जाए, अगर वो बन गई तो मेरी बड़ी अच्छी तनख्वाह लग जाएगी, जब मेरी बड़ी अच्छी तनख्वाह लग गई कई घराने आएंगे मुझे पसंद करने के लिए, फिर मैं नखरे से कोई न कोई अपने अनुकूल जो है चुन लूंगा, जब कई घराने आएंगे अपनी लड़कियां लाएंगे तो एक दो तीन चार पांच छह में से देखता दुखता हुआ जो मैं चुनूंगा, हाँ तभी तो लोग मेरे घराने में मेरे घर पे आएंगे, जबकि मेरी अच्छी नहीं मेरे परमात्मा, अगर तू कोई दुनिया में रहता है, अगर तू दिलों में है, हाँ तो मुझे ये मेरा काम कर देना, ये देखिए मैं काम करने जा रहा हूँ, ये मुझे मिल जाए तब मेरी बिगड़ी बन जाएगी, अगर परमात्मा आपकी बार में तूने ना किया मैं तो संख्या खा के मर जाऊंगा। ये है सकाम कर्म जो मैंने आपको दिया, ये सकाम है, कर्म तो कर रहा है लेकिन देखिए भावना क्या है, लो हियर इज द नाउ देयर इज अ लाइट पिक्चर, मेरे परम पिता आप मुझसे कर्म करवा रहे हैं, हाँ गोली किंदे थे गाने किंदे, मैं तो एक मियर पपट हूँ, एक कठपुतली हूँ, आप करवाने वाले गए, कराइए मेरी सरकार, बौद्धिक शक्ति आपकी, मानसिक शक्ति आपकी, आप जानो आपका काम जानो, मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है, दैट इज ऑल। एक तरफ ये है कोई शेफ चिली की तरह मैल खड़े करने नहीं है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ भी नहीं है, अपनी ओर से जुटे जा रहा है, लगे जा रहा है, बस कोई संकल्प विकल्प या कब्ज बाकिया या आगे शेख चिली की तरह मैल खड़े करना या बिल्डिंग कैसे इन दी एयर नथिंग ऑफ, बिल्कुल मन प्रशांत है, कर्म में शरीर है पर माइंड स्टैंड स्टिल, नो वेवरिंग एट ऑल, माइंड स्टैंड स्टिल, बॉडी इनएक्टिविटी नो डाउट बट माइंड स्टैंड स्टिल, कितना मन प्रशांत है, शरीर तो लगा हुआ है कार्य के अंदर लेकिन माइंड बिल्कुल स्टेशनरी है, माइंड स्टेशनरी, माइंड स्टेबलाइज्ड, बट द बॉडी, बॉडी इज इन एक्टिविटी, बॉडी इज इन मूवमेंट, बस ये है फर्क। भगवान के प्यारे जिसका मुंह नहीं है, शक्ति नहीं, उसकी बॉडी शरीर चल रहा है, तन काम में मन रहे, और कुर्बान कुर्बान कुर्बान, ये हमारे सरताज, हमारे मन के राजा, हमारी जिंदगी के एकमात्र पथ प्रदर्शक भगवान कृष्ण हमें बताया समझाया और अनुरोध पूर्वक कहा चाहते हैं। ये हो गया मुक्त संग, कर्म है, कर्म कर रहा है, बड़े प्रशांत होकर कर रहा हो, ये इधर चढ़े ना हो भगवान जाने, वो सफल कर्म करना चाहता है, उस कर्म के द्वारा शादी करना चाहता है और पता नहीं आगे क्या क्या खाना आबादी करना चाहता है, शादी खाना आबादी में भी, लेकिन ये केवल मात्र अपने भगवान को संतोष किया चाहता है, इसे फल की ओर नजर नहीं है, इसकी पूर्ण रूपये नजर अपने भगवान जी पर है, पूर्ण रूपये, ये तरीका है सरकार, सुनार सुनार दृष्टि, सुनार सिर्फ सोने को देखता है, ना गहने को देखता है, ना जेवर को देखता है, ना उसकी बनावट को देखता है, वो तो गाहक है किसका, सोने का, इस तरह हम लोग गाहक बने परमात्मा के जो इन शरीरों को चला रहे हैं, फिर तो बेड़ा पार हो गया, ऐसे जीव का बेड़ा पार है जो शरीर से धीरे धीरे करके अपने आप को उठाई जा रहा है, धीरे धीरे करके अपने आप को अभाव 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 की जा रहा है, रहे लेकिन असलियत से अनभिज्ञ न रहे बेटे, असलियत से अज्ञात रूप में न रहे, अज्ञात नहीं अनभिज्ञ नहीं बल्कि शरीर के असलियत के साथ हमारी जान पहचान हो, जैसे सुनारे के पास कितनी जेवर जाती है, कितनी अंगों के कितने जेवर लेकर तो मैंने सोना लेना है, कोट देगा गला देगा और डली बना देगा सोने की और उसमें से कोट निकाल के लो जी इतने आपके रुपए सोना, इस तरह हम भी आप भगवान के प्यारे बने हैं, दृष्टि हमारी भगवान पर, कौन चलाता है इसको, किस द्वारा आंखें देख रही हैं, किस द्वारा कान अपना काम करते हैं, किस द्वारा अंग प्रत्यंग यानी एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी अपना काम कर रही है, वो कौन, परमात्मा की सत्ता, परमात्मा की चेतनता, जिसके निकल जाने के बाद ये हीरो जीरो हो जाता है, ये शरीर लख का बन जाता है, ये कंकर, ये शंकर कंकर बनते रह जाता है, कौन, वो कौन है, वो मेरे इष्ट देव जी है, दैट्स ऑल। अब हमारे मन अशक्ति नहीं करेगा, भक्ति करेगा, अशक्ति नहीं करेगा, भक्ति करेगा, हमारा मन महाराज जी की तरफ लगा रहेगा, हमारे मन में विक्षेपता नहीं रहेगी मेरी बेटियों, हमारे मन में टॉसिंग और वेवरिंग नहीं रहेगी, बल्कि मैंने अभी अभी कहा मन केंद्रीभूत हो जाएगा, ये वाला सेंट्रलाइज्ड, फुल्ली सेंट्रलाइज्ड, ये हमारे हिंदू धर्म की विशेष देन,
या भगवान का विशेष वरदान अपने प्यारों को, अपने आज्ञाकारी और आज्ञाकारिणी को एक विशेष देना भगवान की। बड़े प्यार से किए रहे, जामी भगवान मुझे और आपको रखा वेल एंड गुड, लेकिन अपना कर्तव्य कर्म ये उसके साथ जमीरदाता मैं मेंटली फिजिकली यानी जो है अपने इंटेलेक्चुअली लग रहा हूँ आगे, मुझे नहीं पता ये हो आगे सोचो ही नहीं, ये मुक्त संग अशक्ति कर जो जन्म जन्मांतरों से पीछे लगी हुई थी हमारे हल्के कुत्ते की तरह, नाउ नो मोर, बिल्कुल ही कट गई, अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं बड़े उत्साह के साथ। ओहो जो क्या बोलते निर्मोही है उसके चेहरे पर खुशी रहेगी, उसके चेहरे पे जलाल रहेगा, और जो मोह में मरा पड़ा है उसके चेहरे पे जलाल आ ही सकता, उसके चेहरे पे मलाल रहेगा, उसका चेहरा उदास हताश निराश प्रतीत होगा, चाहे वो कुछ किसी भी अवस्था में करो तो उसके मन में शंका रहती, पता नहीं ये बात तेरे चढ़े के न चढ़े, पता नहीं काका बीमार है, पता नहीं तो होपलेस केस न बन जाए, असाध्य रोग न हो जाए, कर तो रहा हूँ कारोबार कहीं मेरा बढ़ता ही न बैठ जाए, हर समय शंका के ऊपर उसके मन की मक्खी बैठी रहती है, हर समय वो सोचता रहता है एक मिनट अगर सो एक मिनट दिस वे और दिस वे, हर समय ऐसे इंसान को कहा गया जैसे वो हिंडोले में बैठे होती है यात्री, कभी हिंडोला ऊपर नीचा ऊपर नीचा ऊपर नीचा नीचा ऊपर, इस तरह मन का अप एंड डाउन डाउन एंड अप, अप एंड डाउन उतार चढ़ाव, या समुद्र के ज्वार भाटे में अपने आप को वो मुबतला पाता है, यानी वो इस प्रकार झूमता रहता है, पता नहीं बात बनेगी कि नहीं बनेगी, पता नहीं ये बात होगी ना होगी, भगवान जाने, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि डॉक्टर आए बैठे हैं कि मेरी बेटियां भी बड़ी तनाव है, मैं देख रहा हूँ कहीं मेरे बच्चे मुझे क्षमा करना, ये नाना प्रकार के रोग हाँ मन के संतुलन को खो जाने के बाद होते हैं, शायद कोई भी डॉक्टर कुछ कहते रहे फलाना कारण है, लेकिन जो मुख्य कारण है जब इंसान अपने मन के तवाज़ुन को खो देता, नाना प्रकार के रोग जिनकी कोई गिनती भी नहीं, मेरी माता और मेरी अच्छी बेटियों काश इंसान को पता होता कि मैंने किसी भी कीमत पर कर्म को छोड़ना नहीं, छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन संतुलन को नहीं बिगाड़ना, किसी भी कीमत पर मैं अपने इक्विलिब्रियम अपने बैलेंस ऑफ माइंड को बनाए रखूंगी, थोड़ा सा विश्वास कर लो दो आने चार आने चलो 50 पैसे विश्वास कर लो, नाना प्रकार के रोगों से हम छूट जाए, कितने रोग है ऊपर से नीचे तक, तो हमारे कृष्ण बताते हैं ये रोग कब होते हैं, जो जो हम भगवान से दूर हटते जाते हैं तू तो रोगों के निकट जा रहे हैं, अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाए, अब इसको और समझ लो, जो जो भगवान से दूर नाना प्रकार के रोग नजदीक, जो जो भगवान के निकट रोगों से दूर, मन में बिठा लो मेरे बुजुर्गों मेरे बच्चों, बहुत रास की बात है, बड़ी गुह्यतम बात है, बड़ी गुह्य बात है बेटे, गुह्यतर गुह्यतम, इट वॉज डिवाइन सीक्रेट, इट इज डिवाइन सीक्रेट, इसी समय बैठे बैठे पिकअप कर लो, अगर मैं रोगों से बचना चाहती हूँ मुझे भगवान जी के निकट पहुंचना चाहिए, अगर मैं रोगों से, और सबसे बड़ा रोग हिंदू धर्म के अनुसार सबसे बड़ा रोग बार बार मरना बार बार जन्म, आवागमन सबसे बड़ा रोग, कान खड़े करके सुनो मेरी देवियों, आवागमन सबसे बड़ा रोग, बार बार मरना बार बार जन्मना, आवागमन ये तनाशक ये सोल जो ट्रांसमाइग्रेशन में रहती है ये सबसे बड़ा रोग है, उसके बाद बाकी रोग गिने जाएंगे, इसे छूटने का तरीका भगवान का ध्यान भगवान की पहचान, दो ही बातें भगवान का ज्ञान और ज्ञान के द्वारा भगवान की पहचान, और कोई तरीका नहीं आवागमन से छूटने का या नाना प्रकार के रोगों से अपने आप को स्वतंत्र करने का, नो अल्टरनेटिव, बिठा ले अपने मन में मेरे बच्चे, यही एक तरीका है अपने आप को, दुनिया वाले जान ही रहे भगवान से दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे क्या, कितने बौद्धिक रोग मानसिक रोग शारीरिक रोग सामाजिक रोग, फिर चिंताएं फिकर और क्या क्या नहीं, उन विचारों का मुकाबला कर पड़ना पड़ रहा, इसलिए मेरे भगवान ने कहा है सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा चिंता, बिल्कुल तबाही तबाही जिधर ही मर्जी देख लो, बिल्कुल थोक के भाव तबाही जिधर मर्जी देख लो, नारी जाति की तो खास करके नारी वर्ग खास करके मुबतला है इस डिस्ट्रक्शन के अंदर, मेंटली इंटेलेक्चुअल फिजिकली आप अपने देख लो धरिया उड़ रही है आपके शरीर की कि नहीं, आपके मन की आपके तन की कितना बुरा हाल है,
क्यों ना आप लोग भगवान जी की अनमोल कसम के अनुसार अपने आप को नियरर ले चलो, और भी कल्याण, मन शांत रहेगा। मन शांत किसका रहेगा जो निर्वोही है। निर्वोही कौन है जो रब का प्यारा है, रब का प्यारा अपने कर्तव्य कर्म को किए जा रहा है और फल पर एक सेकंड भी नजर रखता। फल भगवान को मिलना, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। अरे वो कैसा है, वो मेरे गुरुदेव महाराज जी फरमाया करते थे, वो नेक जीव है। हाँ, उस चौकीदार की तरह, उस पहरेदार की तरह जो बहुत बड़े आम के बगीचे की पहरेदारी कर रहा, चौकीदारी कर रहा है, हाँ पक्षियों को उड़ा देता है और इर्द गिर्द वाले राई गुजरों से बचा देता है। भाई जरा परे जाओ, ये सेठ जी का बाग है और मैं नौकर, जरा वो परे पकड़ नहीं जाइएगा। पक्षी आते हैं तो गुलेल उसके पास ठा, या पीपे लगे हुए वृक्षों के साथ रस्सियां लटक रही है, खींचा टन, तोते उड़ जाते हैं, पक्षी उड़ जाते हैं। ये किया जा रहा है, क्या क्या के लेकर उसकी नजर आम पे नहीं है, आए आए, उसकी नजर दूसरे पे नहीं है। तो ये नजर मालिक की होगी, इसकी नजर क्या है, मैंने चौकीदारी करनी है। बड़ा प्यारा दृष्टांत है, मेरी अच्छी बेटी बहुत प्यारा दृष्टांत है। क्या उसने चौकीदारी करनी है, बस ही इज मीर ए गॉड। उसे बाप से कोई मतलब नहीं, फल से कोई मतलब नहीं, दूसरे से कोई मतलब नहीं, उसे तो बस पहरा देना है। अपनी भाषा में कहेंगे प्रहरी है वो, प्रहरी। इस यही बिगड़ा हुआ शब्द है पहरेदार, वरना प्रहरी है और दिया जा रहा है बस। इसी को स्वामी जी गुनगुनाया करते थे, आप खेती के पनपने की उसे कुछ हो ना हो। किसान का दृष्टांत देते हुए स्वामी जी फरमाते हैं, आस खेती के पनपने की उसे कुछ हो ना हो, पर सदा पानी दिए जाते किसानों की तरह, काटिए दिन जिंदगी के उन जगानों की तरह, जो सदा रहते गए चौकस पासबानों की तरह। उर्दू में पासबान कहती है, मैंने प्रहरी कह दिया। जिंदगी ऐसी कटनी चाहिए जो सदा रहती है चौकस पासबानों की तरह, बिल्कुल सतर्क जागरूक होकर, जागरूक जागरूक होकर हम पहरेदार बन के सावधान होके अपना कर्तव्य कर्म करते रहे बस। जैसे वो दे रहा है, आम से कोई मतलब नहीं, फल से कोई मतलब नहीं, वो भगवान जाने, भगवान का काम जाने, भगवान जाने, हमने तो अपना कर्तव्य कर्म करे। भगवान कहते ये करता बहुत अच्छा, ये सत्व गुण से संपन्न करता अपने अंतःकरण को निर्मल कर लेगा। बड़ी जल्दी संस्कार सुधार, क्योंकि बार बार कर्म पर नजर नहीं है, करने पे नजर है, फल पे नजर नहीं है, तो इस पर संस्कार कोई नहीं पड़ेगा। जो पुराने संस्कार है वो मालिक का नाम लेकर भगवान जाने, तो बार बार उसकी वृत्ति भगवान पर है, भगवान समझे, भगवान मुझे ताकत दे रहे हैं, मैं कर रही हूँ या मैं कर, तो भगवान का बार बार चिंतन करने से पुराने संस्कार खत्म हो जाती है, नया कोई पड़ता नहीं। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि अंतःकरण निर्मल, निर्मल अंतःकरण भगवान के काबल, संस्कारों वाला अंतःकरण जहान के काबल और निर्मल अंतःकरण भगवान के काबल। ये बात कभी भी भुलाए जाने योग्य नहीं है। निर्मल अंतःकरण भगवान के योग्य और संस्कार सहित अंतःकरण जहान के योग्य। जिनके संस्कार पड़ते जा रहे हैं वो जहान में गलतान रहेंगे, जिनके संस्कार धुलते जा रहे हैं वो भगवान के काबिल बनती जा रही या बनते जा रहे हैं। यही एक तरीका है मेरे वैदिक सनातन धर्म के अनुसार, कर्म भी किया जाए, धर्म भी किया जाए, कर्म करे जाए, उसमें फल पर नजर नहीं है, एक्टिविटी में लगे हुए हैं पूरे दिलो जान के साथ, बस अंतःकरण सफा भगवान पे नजर है। प्रभु आपने शक्ति दी है, दिव्य शक्ति आपने प्रदान की है, उसी की बदौलत में किए जा रहा हूँ। आप जानू आपका काम जाने, मुझे ये नहीं पता कि ये क्या होना है, वो क्या होना है, ये क्या बनेगा, ये सरकार मुझे नहीं पता। ओ नाथ मेरा क्या बिगड़े, ओ नाथ मेरा क्या समरे, जो बिगड़े समरे सो तेरा, नाथ मेरा क्या बिगड़े, ये तो आपका बिगड़ा है, समझ रहा है, मैं तो एक कठपुतली हूँ। यही भगवान ने ग्यारहवें अध्याय में कहा है, चूम लो मेरे बेटे, चूम लो भाई, इसको चाट लो और अपने पास रख लो। क्या ये भगवान ने सार रूप में ग्यारहवें अध्याय में कहा है, वसीला बन जाती, बिल्कुल पक्का कर लो, बिल्कुल पक्का कर लो, हम सब वसीले हैं, सब निमित्त मात्र हैं, सब इंस्ट्रूमेंट है इन दी हैंड्स ऑफ डिवाइन हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी, इन दी डिवाइन हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी, मैं और आप बिल्कुल क्या है, कठपुतली, और वो है पुतली घर या सूत्रधार नचाई रखे, हम नाचने को तैयार है, तो यो हुआ तो क्या हुआ और वो हुआ तो क्या हुआ। भगवान कहते शाबाश, लगेबाजी, लगेबाजी कौन, जो कर्म में तल्लीन है, कर्म के फल की ओर उनकी नजर नहीं है, वो कर्म में तलीन है, वो तो तेज है और कर्म पे फल पे नहीं है। क्या 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 क्या, क्या कर्म में नहीं है, छाट मारा जहान तेरा पता ना मिला,
अनुभवी क्या कह गए, छान मारा जहान तेरा पता ना मिला, जब तेरा पता मिला तो अपना पता ना मिला। छान मारा जहान पर तेरा पता ना मिला, और जब तेरा पता मिला तो अपना पता ना मिला। आए आए, जब महाराज की ओर नजदीक जाती है तो अपने आप को खोए जाती है, अपने आप को गुम किए जाती है, क्योंकि मेरी हस्ती ये समझ आने जाती है कि मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। तू है तो कुछ मैं बन जाता हूँ, और तू नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। आए हाय, दूध में मिला हुआ पानी कह रहा है, ऐ दूध भैया तेरे संग हूँ तो मैं भी 5 रुपए किलो बेच रहा हूँ, और अगर तेरे संग ना होता तो लोग मेरा बहुत अनादर कर रहे थे, हाय हाय इधर उधर फेंक रहे थे। शाबाश, दूध पानी, पानी दूध में है तो 5 रुपए किलो, और अगर पानी में ना होता तो धक्के खा रहा है। शौचालय में घड़ा भरा पड़ा पानी तो वो भी है, शौचालय में घड़ा भरा हुआ पानी तो वो भी कराएगा। एक पानी दूध में मिला हुआ 5 रुपए किलो बिक रहा है, क्योंकि दूध में मिला हुआ। शरीर कहता हूँ तो मैं हार मास जाम का पुतला, पर तू मेरे अंदर आए तो मेरी भी कुछ कीमत है, आए है वो मेरी भी है, क्योंकि मालिक जो अंदर है मारे तो ये हार मास जाम पुतले की भी कदर है। भगवान निकाल ले अपने आप को तो कौन रखता है, जब सगे पिताजी हो, पत्नी हो, पति हो, भले ही कोई भी क्यों ना हो, अब क्या सभी मुंह फेर लेते दम निकल जाने के बाद। ये बात पक्की कर ली, भगवान कहते वो मेरा करता बहुत अच्छा है, ही इज द बेस्ट डूअर, जो रियलिटी की पहचान करके कर्म में गलतान नहीं है, कर्म करने में लगा हुआ, कर्म के फल में गलतान नहीं, कर्म में गलतान नहीं, कर्म के लिए संकल्प विकल्प नहीं है, दिलो जान से कर्म में लगा हुआ, दैट्स ऑल। ऐसा जीव ले गया बाजी, अपने अंतकरण को निर्मल कर रहा है, भगवान के दर्शन काबल हो रहा है। बाकी जो संसार वाले जीव है उनको ना भगवान से मतलब है, ना उनको कर्म से मतलब है, उनको फल से मतलब है। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मैंने ये प्राप्त करना है, इसकी उपलब्धि अभी तक नहीं हुई, इसकी अटेनमेंट मैंने करनी है, बस इसी में लग लग के संस्कारी बने जा रहे हैं। संस्कारी बार बार जन्म में मरते वो बेचारे क्या रहेंगे, विकारी रहेंगे। जितने संस्कारी उतने विकारी, हाय जितने संस्कारी उतने विकारी। और इसलिए हम गिर गिरा के अपनी आरती को अखीर में पूरा तब समझती है जब ये मुख से बोल होती है, विशेष विकार मिटाओ पाप हरो जीवा। हम विकारों को हटाना चाहती हैं, वो विकारों को अनजाने रूप में बढ़ाई जा रहे। सोचो विचारो, और जो भगवान जी कह रहे इसको अपनाने की पक्के इरादा करो, अपनाने का दृढ़ निश्चय कीजिए। बच्ची अगर शक्ति नहीं है तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान ऐसा बनने की मुझे शक्ति दे दे, मेरे प्रभु जो आप सत्संग में बता रही है ऐसे में भी बन जाऊं। ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, ओ मेरे सर्वेश्वर, ऐ मेरे हृदयेश्वर, ऐ मेरे प्राणेश्वर, ऐसी शक्ति मुझे भी प्रदान करो कि जैसे आप बता रहे हैं गीता के माध्यम से ऐसे मैं भी बन जाऊं। हाय बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आहा 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 आहा, ऐसे जी बिल्कुल बन जाए। भक्ति सके स्वतंत्र सकल गुण खानी, गुसाई जी का फरमान, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सत बिनु सत संग न पाए प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत संग न पाए प्राणी। गोसाई जी का अनुभव, संत शिरोमणि जी का फरमान कि भक्ति स्वतंत्र साधन है, सारे गुणों से भरी पड़ी है, पर सत्संग के बिना प्राणी प्राप्त न करेगा। भक्ति स्वतंत्र है अर्थात किसी और साधन के मिला के नहीं चलती, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति आजाद है, टोटली इंडिपेंडेंट। भक्ति इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस और दैट, पे कर्म पे या जात पे डिपेंड नहीं करती, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी है, बिल्कुल स्वतंत्र। हाँ भगवान तक पहुंचाने वाली, तलीन करने वाली, लेकिन शर्त ये लगा दी, बिनु सत्संग न पाए प्राण। ऐसी स्वतंत्र भक्ति जीव कहाँ प्राप्त करता है, सत्संग से, और वो भगवान ने मुझे और आपको दे रखा है अपनी चोटी के वाणी का। जरूरत है श्रद्धा की, जरूरत है एकाग्रता की, जरूरत है सुनी बात पर विचार करने की, और जरूरत है एड़ी चोटी का जोर मार के अपना लेने की।
फिर क्या है उनके लिए? उनके लिए तो भगवान जो है मिले मिलाए हैं, जो इतने साधन किए जा रही है, वाह 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 वाह, उनके लिए कहा है हाजर हजूर हाजर हजूर हाजर हजूर। विचार करो, बार बार विचार करो कि जब इतना स्वतंत्र साधन है, मैं इसकी कदर करूँ, सत्संग में हर सुबह शाम मिला हुआ, बड़ी मुद्दत से मिला हुआ, भगवान आपको और भी दे और भी दे। इसी साधन से तो हमने तलीन हो जाना और भगवान ने दे रखा। एक बार फिर कहना चाहता हूँ, भगति सके भगत